नमस्कार दोस्तों, नी नोटिफिकेशन आउट किया गया है दामोदर बेली कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जूनियर इंजीनियर ग्रेड टू और माइन सर्वेयर के पोस्ट के लिए। दोस्तों इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 64 वैकेंसीज है। इस वीडियो में हम जानेंगे जूनियर इंजीनियर ग्रेड टू और माइन सर्वेयर के पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एप्लीकेशन फी पे करना होगा, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, सैलरी कितना दिया जाएगा, सिलेबस क्या होगा और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इंडिया में प्रीमियर पावर यूटिलाइजर्स में से एक है जो कि थर्मल हाइड्रल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर मैनेजमेंट एंड फॉरिंग इंटू रिनेबल्स एंड माइनिंग एरियाज खुद के माइंस में इंगेज है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में लोकेटेड है। फील्ड का फॉर्मेशन पूरे वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। झारखंड ब्राइट रिजल्ट ओरिएंटेड एंड प्रोमिसिंग डिप्लोमा इंजीनियर्स को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, फी एंड आई, कम्युनिकेशन एंड माइन सर्वेयर के डिसिप्लिन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू जूनियर इंजीनियर ग्रेड टू के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। डीबीसी के पास टोटल जनरेशन कैपेसिटी थर्मल प्लस हाइडल का 6,687.2 मेगावाट का है और सोलर का 13.923 मेगावाट का है। रिन्यूएबल 5,500 मेगावाट और 3,720 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल एंड अल्ट्रा क्रिटिकल थर्मल जनरेशन का मैसिव एक्सपेंशन प्लान है। डीबीसी इंडस्ट्रीज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एटसेट्रा को वाटर भी सप्लाई करता है। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के अलावा अदर मोड से अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट आप 4/7/2024 तक ही अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी का लास्ट पेमेंट आप 4/7/2024 तक ही कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज एंड एज लिमिट। जूनियर इंजीनियर ग्रेड टू मैकेनिकल के पोस्ट में टोटल 16 वैकेंसीज है। 16 वैकेंसीज में से अनरिजर्व के लिए 9 वैकेंसीज है। ओबीसी एंड सीएल के लिए 4 वैकेंसीज है। एससी एप्लीकेंट्स के लिए 2 वैकेंसीज है। एसटी एप्लीकेंट्स के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। ईडब्ल्यूएफ के लिए एक वैकेंसी है। अब दोस्तों सवाल आता है कि एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इस पोस्ट में एक भी वैकेंसी नहीं है तो क्या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं? ऑब्वियसली बात है दोस्तों, एसटी कैटेगरी से तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं बट अनरिजर्व से अप्लाई कर सकते हैं। प्रोवाइडेड अनरिजर्व के कटअप को क्लियर करना होगा। अनरिजर्व के कटअप को क्लियर करने के बाद आप इस पोस्ट में सिलेक्शन ले सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों आप जूनियर इंजीनियर ग्रेड टू के बाकी ब्रांचेस के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को देख सकते हैं कि कौन से ब्रांच में कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर ग्रेड टू के पोस्ट के लिए एज 18 से 28 साल के बीच में होने चाहिए। माइन सर्वेयर के लिए टोटल 4 वैकेंसीज है जिसमें अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसीज है और ओबीसी एनसीएल के लिए एक वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए एज 18 से 30 साल के बीच में होने चाहिए। देखिए दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज जो मेंशन किया गया है इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी किया जा सकता है। एज रिलैक्सेशन। ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी को 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी अगर ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो 13 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स अगर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 15 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलरली दोस्तों आप जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल, एक सर्विसमैन और रायट्स के विक्टिम के लिए एज रिलैक्सेशन को देख सकते हैं। मिनिमम इफेंसियल क्वालिफिकेशन। जूनियर इंजीनियर ग्रेड टू मैकेनिकल के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट होने चाहिए विथ मिनिमम 65% मार्क्स अगर आप ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएफ जनरल से बिलोंग करते हैं तो। अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट, जूनियर इंजीनियर ग्रेड टू इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कंप्लीट होनी चाहिए विथ मिनिमम 65% मार्क्स अगर आप जनरल ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएफ से बिलोंग करते हैं तो। अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। सिमिलरली दोस्तों आप जूनियर इंजीनियर
ग्रेड टू के बाकी ब्रांचेस के लिए क्वालिफिकेशन को देख सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, कितने परसेंटेज मिनिमम होने चाहिए। नेक्स्ट, माइन सर्वेयर के लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 65% मार्क्स, अगर आप जनरल ओबीसी एनपीएल ईडब्ल्यूएफ से बिलोंग करते हैं तो। अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और डीजीएमएस के द्वारा इश्यू किए हुए कॉम्पिटेंस का सर्टिफिकेट सर्वेयर का होने चाहिए, या फिर डिप्लोमा माइनिंग में, या माइनिंग सर्वेइंग, या माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग विथ मिनिमम 65% मार्क्स, अगर आप जनरल ओबीसी एनपीएल ईडब्ल्यूएफ से बिलोंग करते हैं तो। अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और डीजीएमएस के द्वारा इशू किए हुए कॉम्पिटेंस का सर्टिफिकेट सर्वेयर का होने चाहिए, राइट। अब दोस्तों देखिए, अगर कैंडिडेट्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लिए हैं और कंप्लीट हो चुका है तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इक्विवेलेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर्स एलिजिबल नहीं होंगे। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे कि बीटेक, बीई, एमटेक, एमई एटसेट्रा विथ या विदाउट डिप्लोमा अलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब 12th के बाद आप बीटेक किए हैं या बीई किए हैं या एमटेक किए हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। डिप्लोमा के बाद अगर आप बीटेक किए हैं, बीई किए हैं, एमटेक किए हैं तो अलाउ किया जाएगा, राइट। और दोस्तों, क्वालिफिकेशन अगर डिस्टेंस मोड से कंप्लीट किए हैं तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो दोस्तों, आप तभी अप्लाई करें जब आप डिप्लोमा करके हायर एजुकेशन को ऑब्टेन किए हैं, राइट। एप्लीकेशन फी, जनरल ओबीसी एनपीएल ईडब्ल्यूएफ कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए 300 रुपीज़ पे करना होगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और एक सर्विसमैन कैटेगरीज और डीबीसी डिपार्टमेंटल के कैंडिडेट्स को इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। दोस्तों, एक बार आप एप्लीकेशन फी को पे कर देते हैं तो किसी भी सरकमस्टेंसेस पर रिफंड नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन फी का लास्ट पेमेंट आप 4/7/2024 तक कर सकते हैं। कंपनसेशन पैकेज, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 1 ईयर के प्रोबेशन पीरियड के दौरान पे मैट्रिक्स लेवल फिक्स कर दिया जाएगा, जिसमें 35,400 से लेकर के 112,400 के बीच में पे स्केल दिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट्स को फेम अफोरमेंशन स्केल और पे मैट्रिक्स पर एब्जॉर्ब किया जाएगा। कंपनसेशन पैकेज बेसिक पे, सेंट्रल डीएनएफ अलाउंसेस, मेडिकल रिम्बर्समेंट, लीव ट्रेवल अलाउंस, एनपीएफ कन्वेंस अलाउंस, लीव इनकेसमेंट और एचआरए एटसेट्रा शामिल करेगा। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, दोस्तों इसमें सिलेक्शन लेने के बाद आपको कम से कम 4 ईयर का सर्विस देना होगा। अगर आप 4 ईयर से पहले रिजाइन करते हैं, अगर आप जनरल ओबीसी एनपीएल या ईडब्ल्यूएफ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 लाख का अमाउंट पे करना होगा। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 4 ईयर से पहले इस सर्विस को छोड़ते हैं तो आपको 1 लाख का अमाउंट पे करना होगा। जब आप सिलेक्शन लेंगे उस समय एक बॉन्ड में आपसे सिग्नेचर करवाया जाएगा। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें। हेल्थ, सिलेक्शन लेने से पहले कैंडिडेट्स को प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा, जो कि डीबीसी मेडिकल एग्जामिनेशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। बोर्ड का डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। हेल्थ स्टैंडर्ड्स में किसी भी तरह का रिलैक्सेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर, दोस्तों इसमें सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू ले सकते हैं। रिटर्न टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप्स का कंडक्ट करवाया जाएगा। रिटर्न टेस्ट में 2 घंटे का समय दिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से वोकैबुलरी, वर्बल कॉम्प्रहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी और इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी एटसेट्रा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्ट 2 में टेक्निकल नॉलेज टेस्ट में स्पेसिफिक क्वेश्चन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से पूछा जाएगा। मतलब अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किए हैं तो मैकेनिकल ब्रांच में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिटर्न टेस्ट में जनरल ओबीसी एनपीएल ईडब्ल्यूएफ कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिनिमम 50% स्कोर करना है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिनिमम 40% स्कोर करना है। जो कैंडिडेट्स कटअप को क्लियर कर लेंगे वो कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा।
मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कैंडिडेट्स को आईडी के प्रूफ के तौर पे ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासवर्ड एटसेट्रा, राइट। अगर किसी भी कैंडिडेट्स का आइडेंटिटी डाउटफुल होता है तो कैंडिडेट्स को फर्दर सिलेक्शन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू ही इंटीमेट किया जाएगा, डेट, टाइम और वेन्यू, राइट। सो डीबीसी के साइट को आप रेगुलरली विजिट करते रहें। देखिए, किसी भी तरह का हार्ड कॉपी कैंडिडेट्स को नहीं भेजा जाएगा, सो आप इस बात को ध्यान रखें। देखिए, कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही किया जाएगा, राइट। सैलिएंट पॉइंट्स एंड सिलेबस। क्वेश्चन का पेपर बाइलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश, इंग्लिश नॉलेज के टेस्ट को छोड़कर के। सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे और सारे क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस गिवन होगा, जिसमें से एक क्वेश्चन सही होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा। देखिए दोस्तों, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में टोटल 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और टेक्निकल नॉलेज टेस्ट में टोटल 70 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 100 मार्क्स कैरी करेगा, एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 का मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। सो आप क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हों, अदरवाइज आप कटअप लिस्ट से बाहर किए जा सकते हैं। ये है दोस्तों सिलेबस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, सो देट आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाएँ। यह है सिलेबस जनरल अवेयरनेस का, जनरल इंग्लिश, फिर यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज टेस्ट का सिलेबस स्टार्ट होता है, यह है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। फंडामेंटल एंड बेसिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पावर प्लांट इंजीनियरिंग से, फिर यहाँ से देख सकते हैं बेसिक थर्मोडाइनमिक्स, फिर यहाँ से फ्लूइड मैकेनिक्स आता है, फिर हीट ट्रांसफर, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, फिर यहाँ से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये सिलेबस है। दोस्तों, आप सिलेबस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यह है सिलेबस सी एंड आई के लिए, यह है सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग के लिए, कम्युनिकेशन का सिलेबस है, माइन सर्वेयर के लिए सिलेबस यहां से देख लीजिए आप, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज का एक सेट और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे 10th का सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट 10th 12th डिप्लोमा का, सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज, सर्वेयर का सर्टिफिकेट DGMS के द्वारा इशू किए हुए होने चाहिए। अगर आप FCST, OBC, NCL, EWF, PW, BD से अप्लाई किए हैं तो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, वैलिड होने चाहिए और इशू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा किए हुए होने चाहिए, राइट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेके जाए। अगर आप किसी भी PSU, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एटसेट्रा में काम करते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना है और साथ ही साथ 4 पासवर्ड साइज कलर फोटोग्राफ लेके जाना है और आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड लेके जाना है, राइट।
तो आई होप दोस्तों आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है इस रिक्रूटमेंट से संबंधित, देन आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट को रिजोल्व करने का कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। और दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू ब्रिंग फर्स्ट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।